नमस्कार, आप आईपा देख रहे हैं, यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, आईपा जाति और धर्म से उठकर मुद्दों की बात करता है। आज हम चांदबेटा रोड पर हैं, जो कि लखनऊ रोड पर मौजूद है, और यह हरदोई जिला का एक इलाका है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए हम इनसे जानते हैं इनके मुद्दे क्या हैं, इनकी परेशानियाँ क्या हैं, योगी सरकार कैसी लगी इन्हें, और क्या ये बदलाव चाहते हैं या सरकार को एक और मौका देंगे। जी आप बताइए। मैं भैया योगी सरकार को मैं दोबारा आना चाहता हूँ कि योगी सरकार में हम लोगों को भैया राशन सब फ्री मिल रहा है, जितनी योजनाएं हैं बहुत बढ़िया है। योगी का काम हमें बढ़िया लगता है, लड़का बच्चों की सब सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया हो रही है। इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ, दोबारा मैं ही योगी सरकार ही चाहता हूँ। आप बताइए। हाँ हाँ सही कह रहे हैं, ये योगी सरकार चाहते हैं। आप बताइए। जी हाँ, योगी सरकार ही बनना चाहिए। क्यों बननी चाहिए, क्या क्या अच्छा लगा? क्योंकि उन्होंने राशन का काम किया, राशन का काम किया और बिजली का भी काम किया, बस इतना ही भी मैं कहूँगा। पहले यहाँ पे कितने घंटे बिजली आती थी और अब कितने घंटे आती है? पहले तो रात दिन भी नहीं आती थी भैया, अब तो इस समय हम देखते हैं 24 घंटा बिजली आ रही, पहले तो बहुत कम आती थी, कहीं 10 घंटा कहीं 12 घंटा, अब तो 24 घंटे बिजली आ रही है। आप बताइए, सहमत हैं इनकी बातों से? हाँ, हम इनकी बातों से जो है पूर्ण सहमत है भैया। और बताइए योगी, कुछ अच्छे काम बताइए, कुछ चूक रह गई वो बताइए। अब चूक रहेगा ही है, उसको भैया जो है कहेंगे जो सुधार करिए। अब क्या क्या चूक रहेगा? चूक रहेगा ही, जैसे जानवरों की व्यवस्था नहीं की इन्होंने, आवारा पशुओं की, बाकी व्यवस्थाएं इनकी लमसम सब सही रही हैं। बेरोजगारी और महंगाई पे क्या बोलेंगे भैया? बेरोजगारी महंगाई भी है कि महंगाई थोड़ी ज़्यादा चल रही है, वो अपनी सही करे, और किसान लोगों को भैया यही उम्मीद है कि हमारी सरकार आए और हम लोगों को जैसे चल रही सरकार से और बढ़िया चले तो हम लोगों का और अच्छा लगे। बच्चों का जो भविष्य है हमारे, वो उनका उज्जवल भविष्य हो, और इनकी बेरोजगारी है वो खत्म करें। सबका साथ सबका विकास। अब की बार भाजपा सरकार। आप कार्यकर्ता हैं क्या जी? नहीं जी, मैं कार्यकर्ता नहीं, मैं तो एक नागरिक मनरेगा का हूँ। लेकिन आपको भाजपा बहुत अच्छी? भाजपा अच्छी लगी। और बताइए क्या क्या अच्छा लगा भाजपा में? भाजपा में तो कई काम उन्होंने किए हैं, बाकी साइकिल तो यहाँ रद्द हो गई है। रद्द हो गई? क्यों रद्द हो गई भाई? इसका भी कोई कारण है? क्या कारण है बताइए ना। अब कारण क्या भैया, उसमें पहले से आप लोग चिल्ला रहे हैं कि मैं भाई अब की अगर सरकार आ गई है तो मैं इसके बाद गुंडाई के अलावा और कुछ काम ही नहीं करेंगे, बस गुंडाई होगी। काला धन तो बेच रखा है अखिलेश यादव, सही नेता नहीं रखा। हम तो भैया इससे कहते कि जीवन में कभी नहीं अखिलेश नेता है, हमारी भाजपा सरकार सबसे बढ़िया है। भाजपा सरकार सबसे बढ़िया? हाँ सबसे बढ़िया है। वो तो हमारा मुद्दा यही है, वो तो बुआ भतीजे हैं। बुआ भतीजे? बुआ भतीजे नहीं, तो इस बार तो अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं। नहीं, अलग 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 तो लग रहे हैं, वो उनका कोई अपना ही मैसन है। अच्छा, मायावती के बारे में क्या कहते हैं? मायावती की सरकार तो बढ़िया थी, मगर मायावती से भी बढ़िया हमारी भाजपा सरकार है। जो क्या हुआ मायावती से, ऐसी क्या गलती हुई कि आज बसपा कहीं लड़ाई में नहीं थी? मायावती ने जो है विकास के कार्य अच्छे नहीं किए हैं। अच्छे नहीं किए, लेकिन लोग कहते हैं कि उनका लॉ एंड ऑर्डर बड़ा अच्छा था। लॉ एंड ऑर्डर से विकास थोड़ा होता है। आवारा पशुओं की बात करते हैं, ये देखिए ये घूम रहे हैं, अब घूम रहे हैं, ये तो मस्त मौला अंदाज में जी। क्या योगी, ये योगी सरकार की गलती नहीं, ये तो हम लोग दूध खा लेते हैं, हम ही लोग छोड़ देते, तो ये गलती हमारी है, भाजपा सरकार। तो जो गौशाला सरकार ने बनाई वो अगर अच्छे से काम करता तो ये क्यों ऐसे घूम? तो भैया भाजपा सरकार अगर कह दे कि ये अच्छे से काम करे, यहाँ कोई देख रेख इनकी करने वाला नहीं है, वहाँ से कर्मचारी, सुनिए कर्मचारियों को जो है अच्छे लगाएंगे तो ये भाजपा सरकार हमारे लिए इसके लिए बहुत। कर्मचारी को जो सरकार अपॉइंट करती है तो वो अच्छा काम करने के लिए जिम्मेदारी भी तो सरकार की है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो सरकार इसमें थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रही है, मगर इसमें क्या बताएंगे। यहाँ के लोकल MLA कैसे लगते हैं आप? यहाँ पे लोकल MLA हमारे जो है अच्छे हैं, अच्छा काम किया उन्होंने। कैसी आप बताइए, कैसी लगी योगी सरकार? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या क्या अच्छा लगा? सब ही अच्छा लगा उनका, कोई गुंडा ही नहीं, बत्ती अच्छा। मिल रही सब कुछ होते रहो, हाँ बत्ती खूब मिली, कोई गुंडा ही नहीं भाई, हाँ गरीबन का नाज मिल रहा है। तीन मुद्दे हैं जो कि योगी के अगेंस्ट जा रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, आवारा पशु, और तीन मुद्दे ऐसे हैं जो कि शायद सरकार को बचा दें। तो किसानन छोड़ा, पशुओं को गौशाला खूब खर्चा दिया, लेकिन करते नहीं कोई, तब का तीन मुद्दे जो मैं आपको बता रहा था वो है राशन, कानून व्यवस्था, और एक मुद्दा आप भी बताइए।
और सब भी बढ़िया है भैया, मान ले तो बढ़िया ठीक है। तो राशन कानून व्यवस्था है अच्छा इनके हिसाब से, और बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में इनके हिसाब से ज़्यादा आई है पिछली बार के तुलना में। आप जी बढ़िया खूब आया जी। आप आईपा देख रहे थे, वीडियो अगर पसंद आया तो आप लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।